टीचर एसोसिएशन की तरफ से जहां एक बैठक रखी गई है, बैठक के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन जहां चल रही है एलजी साहब की क्यादत में, हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के हज़ारों शिक्षकों के कुछ जेन्युइन इश्यूज़ हैं, मुतालबे हैं जो कई वर्षों से लंबित पड़े हैं, उनका समाधान किया जाए और शिक्षकों को मजबूर ना किया जाए सड़कों का सहारा लेने के लिए। शिक्षक स्कूल में ही बेहतर शिक्षा दें, लेकिन सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। जैसा कि आज से 22 साल पहले एक रहबरे तालीम स्कीम शुरू हुई, 22 वर्ष पूरा करने के बावजूद भी आज उन शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। अभी पिछले दिनों सरकार ने एक आर्डर जारी किया कि 5 साल किसी भी एम्प्लॉई को जहां हुए हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 5 तो छोड़ो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 22 ईयर्स हो गए हैं हमारे टीचर्स को एक स्कूल में। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये तो हम सारे पढ़ते हैं और सरकारें भी ये दुहाई देती है कि चेंज होनी चाहिए। यहाँ सरकारें चेंज होती हैं, जहाँ सेक्रेटरी चेंज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओस होते हैं, जेडीओस होते हैं, लेकिन एक टीचर एक ही स्कूल में, और उस टीचर का अगर उसने डबल एमए की है, एमएड की है, पीएचडी की है, मैं समझता हूँ उसको हाई स्कूल में लाना चाहिए जो प्राइमरी स्कूल में। इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी शीघ्र लागू करो। हम अपने लिए नहीं कह रहे कि हमें बेनिफिट दो, अगर हम 22 सालों से काम हमने किया है हमें आगे भी 22 साल उसी स्कूल में रखो, हम काम करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई सेकेंडरी के बच्चे को और ज़्यादा लाभ देने के लिए आपको शीघ्र ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करनी होगी। पिछले जो सेक्रेटरी साहब हमारे चले गए बीके सिंह साहब, उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की थी, अनाउंसमेंट्स भी की थी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी, लेकिन अभी तक हमें कोई भी उसका आर्डर नहीं दिख रहा है। मैं अपील करना चाहूँगा आज की इस मीटिंग के माध्यम से कि शांतिपूर्वक तरीके से ही आप ट्रांसफ़र पॉलिसी हज़ारों रहबरे तालीम शिक्षक जो आरईटी स्कीम के तहत लगे थे उनके लिए शीघ्र इसको लागू किया जाए। इसके साथ पुरानी पेंशन की डिमांड हम कर रहे हैं कि अगर कर्मचारी हैं, अगर हम अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं तो हमारा पैसा प्राइवेट सेक्टर में क्यों कट रहा है? एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि अगर 40 वर्ष हम काम देंगे उसके बाद हमारी पुरानी पेंशन बंद, और हमारे हर एक राजनीतिक दलों के नेता जब MLAs MPs बनेंगे तो इनके लिए पुरानी पेंशन? मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से इस आज की मीटिंग के माध्यम से कि आप भी जम्मू कश्मीर के 1,30,000 लगभग जो NPS कर्मचारी हैं उनको सपोर्ट करें, इस जनरल मुद्दे को सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारा राइट है जो 1947 से चलता आ रहा था कि कर्मचारी शिक्षक अधिकारी जब रिटायर होगा तो उसको पुरानी पेंशन देगी। और बंद कमरे में बैठ के राजनीतिक लोगों ने, सरकारों ने ये फैसला कर दिया कि पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया, और बड़े अफसोस की बात कि अपने लिए उन्होंने वही पुरानी पेंशन रखी। अगर वो एक बार भी चुनेंगे, अगर वो सिर्फ ओथ लेंगे किसी भी हाउस की, चाहे वो अपर हाउस है, चाहे वो लोअर हाउस है, लेजिस्लेचर है, कोई भी है, तो उनके लिए पुरानी पेंशन होगी। और 40 वर्ष काम देने वाला कर्मचारी शिक्षक और हमारे कुछ फोर्सेस के जवान भी जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए पुरानी पेंशन नहीं? तो आपके मीडिया के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल किया जाए। इसके साथ साथ हमारे 5 साल जो RET हमने दिए हैं वो हमारे सर्विस इंक्लूजन में शामिल किए जाएँ। हमारे टीचर्स की जोनल सतह पर बहुत हैरासमेंट हो रही है, सिर्फ इस ज़िले में नहीं, इस ज़िले के साथ साथ पूरे जम्मू प्रांत में हमारे टीचर्स को अटैचमेंट डिप्लॉयमेंट के नाम पे हरास किया जा रहा है। मैंने ट्रांसफ़र की बात इसलिए की बड़ी ज़ोर से पहले कि आज हमारे टीचर्स को जो स्कूल बंद पड़ा है वहाँ RET टीचर्स को डिप्लॉय किया जाता है, अगर हाई स्कूल में स्टाफ की कमी है वहाँ हमारे टीचर को लगा दिया जाता है। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि डिप्लॉयमेंट टीचर की ज़रूरत है उसको डिप्लॉय क्यों करना है, उसके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी लाइए। टीचर्स को जोनल सतह पे बहुत ज़बरदस्त परेशान किया जा रहा है। हमारा एक जहाँ गोल्डी जोन है वहाँ हमारे टीचर सभी जहाँ पे बोल रहे थे कि एक सर्विस बुक लाने के लिए वहाँ एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, कुछ क्लैरिकल के लोग वहाँ बैठे हैं, इसकी जांच पड़ताल हम करेंगे, बड़ी जल्दी इसकी बैठक होगी। और भी जो हमारे इशूज़ हैं, मिड डे मील का इशूज़ है, आपके माध्यम से बताऊँ कि टीचर्स का काम सिर्फ ड्यूटी देना है, टीच करना है। मिड डे मील के पैसे सरकार ने देने हैं और टीचर ने अपने जेब से डाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे रोटी मांगते हैं, उनको भी बुज़ुर्गों को दवाई चाहिए, और अपने जेब से पैसे खर्च करके हम बच्चों को भी रोटी खिला रहे हैं जो स्कूल के बच्चे हैं, अपने बच्चों को भी, और शिक्षा भी दे रहे हैं। इन सभी समस्याओं का सरकार को शीघ्र ध्यान देना होगा, इनका समाधान करना होगा, नहीं तो मजबूरन जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन बहुत जल्दी सड़कों में भी दिख सकती है।